नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने दाने रुद्राक्ष की माला शरीर के किस अंग में पहननी चाहिए। अब कुछ लोग कलाई में रुद्राक्ष धारण करते हैं, कुछ यहाँ बाजूबंद में, कुछ गले में, कान में भी संत लोग धारण करते हैं, तो यही जानकारी आपको मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। बहुत से संत जो शिव भक्त हैं या अन्य शिव भक्त भी कान में छोटे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो वहाँ पर 6 दानों की माला धारण करने का विधान है शास्त्र में। और ये यहाँ पर आप कलाई में पहनना चाहते हैं तो 12 दानों की माला, भुजा में, यहाँ बहुत से संत और शिव भक्त भुजा में धारण करते हैं रुद्राक्ष, तो यहाँ पर 15 दानों की माला छोटे या बड़े रुद्राक्ष की धारण करनी चाहिए। 22 दाने मस्तक में और 32 दानों की जो माला है वह गले में धारण करने का विधान है। 32 दानों का कंठा या छोटी माला आप धारण कर सकते हैं, ऐसा ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए आदेश किया है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही यूजफुल जानकारियों के साथ, शास्त्रोक्त जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।